फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एएलपी राकेश में आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों के चलते ही मेरे चैनल में 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिया है मैंने। और आप लोगों का अगर आगे भी ऐसा ही सपोर्ट रहेगा तो मैं जल्दी ही 1K कंप्लीट कर लूँगा। सो भी एलपी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को इस चैनल के थ्रू देता रहूँगा। तो और बुक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा, क्योंकि उसके लिए मुझे टाइम चाहिए। और मैं अच्छा से आपको सारे बुक्स का नाम बताऊँगा। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ सिलेबस डिस्कस करूंगा एएलपी का। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले सिलेबस डिस्कस करूंगा जो 2018 वाली वैकेंसी में अकॉर्डिंग टू 2018 वैकेंसी, उसी सिलेबस को मैं फॉलो करके आप लोगों को बताऊंगा कि मतलब क्या क्या आए थे और क्या क्या सब्जेक्ट में आप लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लोग सिलेबस को जान लीजिएगा, उसके हिसाब से ही आप लोग पढ़ाई करिएगा। और उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा कौन कौन सा मैंने बुक फॉलो किया था, और फिर और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए। और तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि मतलब एएलपी का जॉब कैसा होता है और एएलपी को क्या क्या करना पड़ता है और एएलपी का ट्रेनिंग कितने दिनों का होता है, मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। जो भी एएलपी एस्पिरेंट है वो ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एएलपी को करना क्या रहता है और उसका जॉब प्रोफाइल कैसा होता है। एएलपी में आपका सिलेक्शन होता है एज असिस्टेंट लोको पायलट, जिसको बोलते हैं। और आप मतलब लोको पायलट को हेल्प करते हैं मतलब ट्रेन चलाने में, और ताकि लोको का प्रॉपर चार्ज लेते समय सारा कुछ चेक करना, लोकोमोटिव में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और फिर आप चार्ज कर लेने के बाद आप हम लोग को पेपर वर्क करना पड़ता है, मतलब सारा डिटेल भरना पड़ता है। उसके बाद हम लोग सिग्नल कॉल आउट करते हैं, फिर प्रॉपर चेक करते रहते हैं लोगों को कि लोगों में कोई फॉल्ट तो नहीं आ रही है। तो ये सब सारा काम रहता है एक एएलपी का। और पूरा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए इस जॉब में, क्योंकि मतलब बहुत स्पीड आप लोग जानते हैं ट्रेन में कितने होते हैं, और बहुत सावधानी पूर्वक हम लोगों को अलर्टनेस जरूरी है इस जॉब में, क्योंकि बिना अलर्ट का कुछ भी हो सकता है आगे। तो इस जॉब में बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मतलब इंटरेस्टिंग जॉब है फील होगा, क्योंकि आप एक लोकोमोटिव में बैठे रहते हैं और आगे पूरा आप ही को विज़न देखना रहता है सारा। तो अच्छा लगता है कि हाँ, मैं लोको पायलट के साथ हूँ और मतलब चलाने में उनकी हेल्प कर रहा हूँ। तो असिस्टेंट लोको पायलट अच्छा जॉब है। और एएलपी की ट्रेनिंग हम लोगों की हुई थी, मैंने डीजल भी ट्रेनिंग किया था। तो हम लोगों की मतलब डीजल ट्रेनिंग हम लोगों की 2 मंथ की हुई थी, और उसके बाद 1 मंथ की ट्रेनिंग हुई थी ट्रैफिक का रिलेटेड, और उसके बाद 1 मंथ की ट्रेनिंग हुई थी हम लोगों की इलेक्ट्रिक की। तो 4 मंथ लगे थे हम लोगों को ट्रेनिंग करने में। उसके बाद हम लोगों हुई थी एक 15 डेज की डिविजनल ट्रेनिंग हुई थी, और उसके बाद हम लोगों की पोस्टिंग हुई थी, मतलब जो भी हेडक्वार्टर होता है वहाँ पे पोस्टिंग हुई थी। दिल्ली डिवीज़न में जितने सारे लॉबी है वहाँ पे पोस्टिंग किया जाता है, तो हम लोगों की पोस्टिंग हुई थी वहीं पे। और उसके बाद हम लोग वहाँ प्रॉपर लर्निंग रोड किए थे। 3 मंथ लगे थे मुझे कंप्लीट करने में, पूरा सेक्शन हम लोगों को दिया जाता है। फिर 3 मंथ कंप्लीट करने के बाद हम लोग प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद हम लोगों को मतलब ऑपरेटिंग में भेजा जाता है, ट्रेन ऑपरेशन में, और हम लोग फिर एज एन एएलपी काम करते हैं। तो एएलपी अच्छा जॉब है और मतलब आपको अच्छा लगेगा वर्क करते हुए, क्योंकि आप एक लोकोमोटिव को चला रहे हैं, चलाने में हेल्प कर रहे हैं लोको पायलट के। तो और इसमें बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, वो भी मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। मैं आप लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन दूँगा अच्छे से अलाउंसेस के बारे में, और
ट्रेनिंग में मतलब क्या क्या हम लोगों को हुई थी सारा इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, मतलब कि कितने मंथ, 4 मंथ में तो कंप्लीट हुई थी ट्रेनिंग और कहाँ कहाँ हुई थी ये भी बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएंगे, उसमें मैं सिलेबस डिस्कस करूंगा ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। तो जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो आते रहेगी। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।